वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोगों से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम एंड कप्पा पूछा है, ठीक है। देखो ये मेरा 1 मोल ऑफ NaCl का सोल्यूशन है, इतने पानी में मैंने 1 मोल मिला रखा है। ये मेरा प्लेट है और ये मेरा प्लेट के बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो इस प्लेट में, इस एरिया और इस एरिया के बीच में कितने मोल सॉल्ट है, 1 मोल सॉल्ट है। सो इस एरिया और इस एरिया के बीच में जितना भी कंडक्टेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस किसके बीच में है, मोलर कंडक्टेंस इस वाले एरिया के बीच में है, दिस इज माय लैम्डा एम, ठीक है। नाउ कप्पा क्या है, देखो कप्पा इज कंडक्टेंस बिटवीन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ प्लेट सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर। तो इसके बीच में जितना भी कंडक्टेंस है ना दैट इज कप्पा, क्लियर है। लेट से यहां पर Na प्लस है, यहां Cl माइनस है, यहां Na प्लस है, यहां भी Na प्लस है। सो इसके बीच में तो कम आयंस है ना, अभी टोटल में ज्यादा है, इस एरिया में कम होंगे अभी, ठीक है। अब देखो अगर मैं कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता, पानी मिला के डाइल्यूट करता, सो देखो पानी मिला के जैसे ही मैं डाइल्यूट करूंगा इस प्लेट के बीच में आयंस कम हो जाएंगे। तो अपॉन डाइल्यूशन आयंस बिटवीन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेट विल डिक्रीज। तो एज आई एम डाइल्यूटिंग तो कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, कप्पा ऑल्सो डिक्रीजेस, क्लियर है ये। नेक्स्ट अगर मैं डाइल्यूट करता हूं तो मेरा पहले 1 मोल इसके बीच में था तो मैंने इस एरिया के बीच में कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस बोला, डाइल्यूट के बाद मेरा वॉल्यूम ये हो गया। अब मुझे ये पूरा एरिया लेना है क्योंकि मोलर कंडक्टेंस में क्या होता है, आपको इतना एरिया लेना है जिस एरिया के बीच में 1 मोल है। तो डाइल्यूट करेंगे तो ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम आयंस कम हुआ बट टोटल आयंस में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो लैम्डा एम का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। डाइल्यूट करेंगे कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, लैम्डा एम विल इंक्रीज, क्यों समझो बात को। पहले Na प्लस और Cl माइनस आसपास थे, इनके बीच में अट्रैक्शन था, अब अट्रैक्शन कम हो गया क्योंकि सेपरेशन हो गया, पहले Na प्लस Cl माइनस आसपास थे, डाइल्यूट करेंगे ये लोग दूर चले जाएंगे तो कंडक्शन विल बी इजी, ठीक है। और एक रीजन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग बोलते हैं ये दोनों दूर चले जाएंगे इसीलिए कंडक्शन इंक्रीज करेगा टोटल कंडक्शन लैम्डा एम, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में लैम्डा एम क्यों इंक्रीज करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयनाइजेशन बढ़ जाता है। लेट से अपने पास एक वीक एसिड है, वो पूरा डिसोसिएट करता है क्या, नहीं, अभी थोड़ा कम डिसोसिएट करेगा बट डाइल्यूट कर देंगे तो ज्यादा डिसोसिएट करेगा, तो उसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में लैम्डा एम इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से इनका जो वेलोसिटी है थोड़ा बढ़ जाएगा, तो वेलोसिटी यहां भी बढ़ेगा और टोटल में भी बढ़ेगा, हर आयन का वेलोसिटी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इस एरिया में भी कंडक्शन इंक्रीज करेगा और इस टोटल एरिया में भी कंडक्शन इंक्रीज करेगा। सो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लैम्डा एम भी बढ़ जाएगा और कप्पा भी बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मेरा सॉल्वेंट मोर पोलर हो जाएगा तो क्या, देखो सॉल्वेंट क्या करता है,
ये मेरा Na प्लस है, ये मेरा Cl माइनस है, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट इसलिए नहीं कर, अट्रैक्शन है बट ये दोनों सेपरेट इसलिए भी हो गए क्योंकि बीच में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आ गया, मोर पोलर सॉल्वेंट इन दोनों के बीच में बेटर सेपरेशन, लेस अट्रैक्शन। देखो एप्सिलॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट होता है, हम लोग को पता है। अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन विल बी लेस इफ एप्सिलॉन इज मोर, तो मोर पोलर सॉल्वेंट एप्सिलॉन मोर, लैम्डा एम मोर, कप्पा मोर, ठीक है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस, मेटल में रेजिस्टेंस इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो मेटेलिक कर्नल होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वाइब्रेशन इंक्रीज करता है और वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में वाइब्रेशन का कोई रोल नहीं है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज एंड कोलिजन बिटवीन आयंस, ये मेन रीजन है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इसलिए है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन एंड बिकॉज ऑफ कोलिजन, ठीक है। थैंक यू।